Brought to Series. खिलाड़ी स्वागत है आपका श्याम श्याम क्या स्वागत करें आपका आपके देश्या। दर्शन लोग हमारा स्वागत हो गया महाराज जी इन सब बच्चों को वो श्री जी का दुपट्टा उड़ाओ और सबको प्रसाद दो सब बच्चों को दो और अपनी तरफ से सबसे प्रार्थना करते हैं कि कोई व्यसन जीवन में जिसके नहीं होता और जिसके आचरण पवित्र होते हैं और उत्साह हृदय में निरंतर होता है वो लौकिक और पारलौकिक कि किसी भी उन्नति की चरम सीमा तक जा सकता है ये इसमें स्त्री या पुरुष का भेद नहीं है महाराज जी तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें खराब चली जाती हैं। तो मन ना बहुत ऐसे परेशान हो जाता है उसी परेशानी के लिए कहा राधा राधा क्योंकि देखो हर कार्य में सदैव विजय नहीं मिलते सुख दुखे समय लाभा लाभो हो जया जयो जय माने होती विजय अजय माने होती पराजय कभी पराजय होगी तो कभी जय होगी कभी लाभ होगा तो कभी हानि होगी कभी सुख होगा तो कभी दुख होगा यह सृष्टि का क्रम है बड़े अच्छे खिलाड़ी अच्छे खेलने पर भी कभी कभी हार आ जाती है उसमें निराश नहीं होना चाहिए समाज तो केवल विजय का साथ देगा पक्का समझना लेकिन अध्यात्म बल और आपका गुण उत्साह इसीलिए शब्दों पर संतों के ध्यान दिया जाता है उत्साह हारने पर भी हमारा उत्साह और बढ़े कि हम अपने को अभ्यास में इतना प्रवीण करेंगे कि सामने वाले पक्ष को हम परास्त करेंगे इस बार हार गए कोई बात नहीं समाज भले आपको सपोर्ट ना करे लेकिन आपका मनुष्य समय निराश नहीं होना चाहिए उस इसलिए भगवान ने कहा है सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभु जया जेव सुख दुख में लाभ और हानि में हार और जीत में हे अर्जुन समान भाव रखकर युद्ध कर और मैं कहता हूं कि तू विजय प्राप्त करेगा तो हम जब कभी हारे तो हमको ध्यान देना चाहिए कि मेरी इसमें प्रमाद स्थिति क्या हुई चूक क्या हुई तो हम और प्रवीण बने अपने को और संयम में ला करके अभ्यास के द्वारा इतने प्रेमण बने कि जो हमारे विपक्ष सामने में खिलाड़ी है हम उसको परास्त करें आ, कभी कभी क्या होता है कि जब कभी बड़े मैच होते हैं ना तो हमेशा क्या होता है कोई ना कोई चोट लग जाती है मतलब हमेशा का यही है तो तभी तो दिमाग में तभी यही चलता है कि ऐसा क्यों हमेशा या तो उससे देखो एक चीज आप सुनो कोई भी खेल कोई भी खेल हो चोट लगनी लगनी है जैसे हम लोग संत मार्ग में हैं तो काम की चोट क्रोध की चोट मोह की लोभ की ये सब अंदर की बातें हैं ना अब उसी चोट को खा खा करके वो महापुरुष बन जाता है कुश्ती में है तो चोट खा खा कर पहलवान बन जाता है तो जहां से चोट लगी उसमें अभ्यास की कमी उसमें चूक हमारी गिर जाना या उधर से कोई प्रहार हमारे ऊपर लग जाना तो असावधान रहना वो सावधानी हम ऐसा विश्वास करें कि आगे से हमारा बर्ताव ऐसा होगा कि हम नहीं गिरेंगे नहीं चोट लगेगी पर इतना पुष्ट शरीर को भी रखना चाहिए छोटी मोटी चोट में परवाह ना करें और बड़ी चोट असावधानी से होती है अगर असावधानी हुई तो बड़ी चोट लगेगी नहीं, नहीं होगी आप पहले से इतना तैयार रहिए क्यों इस खेल में क्या सावधानी मान लो आप दौड़ रहे हैं आप गेंद पकड़ रहे हैं तो छोटी मोटी गिरने में जो चोट लगती है वो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें हाथ पैर टूटने की जो व्यवस्था तो पहले से सुरक्षित रहती है ऐसी कोई बड़ी चोट तो लगने की संभावना है तब जब आप चूक करेंगे बाल लग जाना या आपकी दौड़ में ऐसी कोई घटना घट गट जाना तो उसको अभ्यास के द्वारा हम पुष्ट करें चोट लगे तो एक बार हम उसको समझें कि कहां से कैसे चोट लगी आगे अभ्यास करें मैथ से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब जानने के लिए हर अपडेट लाइव एनालिसिस स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक कैप